हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। सर्दियाँ अपने अरूज पर हैं और आजकल हमारी तरफ भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। अभी आज की वीडियो में मैं हार्वेस्ट करने लगा हूँ अपने गार्डन से ये बहुत ही खूबसूरत कलर की कोलराबियाँ। तो ये पर्पल वाइना कोलराबी है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये काफ़ी प्यारे कलर की एक कोलराबी है। इसको उगा के मुझे काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, देखने में भी खूबसूरत लगती है और उम्मीद है कि खाने में भी अच्छी होगी। अभी इनका जो साइज़ है आप देख सकते हैं कि ये अच्छा हुआ हुआ है कि इनको हार्वेस्ट किया जाए। अगर फिर ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाएं तो ये अंदर से सख्त हो जाती हैं, फिर वो ज़्यादा मज़े की नहीं पकती। कोलराबी जो होती है फ्रेंड्स, इसके जो नरम पत्ते होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें मैं ये जो बहुत बड़े वाले पत्ते हैं ये तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन इसके ऊपर वाले जो नरम पत्ते हैं इनको हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इस अपनी कोलराबी को हार्वेस्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि हमने अपनी खूबसूरत पर्पल कलर की कोलराबी तोड़ी है। अब इसके ऊपर वाले जो पत्ते हैं बड़े वाले ये मैं कट कर लूँगा, जबकि ये नरम जो पत्ते हैं ये इसके साथ मैं रहने दूँगा। सो ये दूसरी कोलराबी भी बिल्कुल अच्छे साइज़ की हुई है, तो इसको भी हम अभी कट करेंगे। और ये पर्पल कलर की जो फ्रेंड्स कोलराबी है ये एक माशाल्लाह से बहुत ही डिफरेंट कलर है। और ऊपर से जो कोलराबी है ये ख़ुद भी एक ऐसी वेजिटेबल है कि जो बाकी नॉर्मल हमारी जो सब्जियां होती हैं उनसे थोड़ी मुख्तलिफ लगती है। तो इसको घर में ज़रूर ग्रो किया करें, एक मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ख़ासकर जब आपके गेस्ट आएंगे तो वो देखेंगे इसको तो वो बहुत इम्प्रेस होते हैं इससे। मेरे भी जब कोई अगर मेहमान आते हैं तो जब उनको कोलराबियाँ मैं दिखाता हूँ तो बहुत खुश होते हैं इनको देख के। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि हमने अपनी दूसरी कोलराबी का प्लांट भी तोड़ा है। अभी मेरे दो तीन प्लांट्स और भी लगे हुए हैं, तो कोलराबी का आज हम सालन बनाने का सोच रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 5-6 कोलराबी के ये प्लांट्स तो हार्वेस्ट किए जाएं, तो मज़ीद भी कुछ पौधे तोड़ते हैं। तो ये थी मेरी गार्डन की फ़्रेश कोलराबियाँ। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरी गार्डनिंग की वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है हैप्पी होम गार्डनिंग। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी विज़िट करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी जो गार्डनिंग की वीडियोस होंगी वो सारी की सारी इंग्लिश में होंगी। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर विज़िट करके सब्सक्राइब करें। ओके, फिर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। होपफुली किसी और वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।